अगर आप कभी यमुना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अब ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे सर्दियों के वक्त में बन जाता है मौत का एक्सप्रेसवे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर न केवल कोहरा काफ़ी ज़्यादा होता है बल्कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और यही वजह है कि खासा ध्यान रखने के लिए फ़िलहाल यमुना एक्सप्रेसवे पर जो स्पीड लिमिट है वो कम कर दी गई है। जो पहले अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी हल्के वाहनों के लिए, अब वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, और साथ ही साथ बात करें तो भारी वाहनों के लिए यह अधिकतम स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। और हाँ, अगर आपने उल्लंघन किया तो जेब भी ढीली होगी, 2000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे में अपनी जान की कीमत रखते हुए और अपने आप को बहुत सेफली बचाते हुए आप यमुना एक्सप्रेसवे का सफ़र करेंगे, और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि जो स्पीड लिमिट है वो कम कर दी गई है। 15 दिसंबर से अगले साल 15 फरवरी तक यह स्पीड लिमिट अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, और साथ ही साथ भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ऐसा हर साल सर्दियों में होता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, आपका ध्यान देना, आपका खुद को बचा कर रखना, स्पीड लिमिट का ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है और हर बार सर्दियों में बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। नहीं तो आप यमुना एक्सप्रेसवे पर चलते हुए कब मौत के एक्सप्रेसवे पर चल पड़ेंगे आपको भी नहीं पता होगा। शैलेंद्र के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।